हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको देने लगा हूँ सेंट मेरीज यूनिवर्सिटी का टूर, और जो कि है हैलीफैक्स में ये लोकेटेड यूनिवर्सिटी। आपने डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ ही लिया होगा ना। और यार मुझे इसलिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि लोगों ने मुझे कहा कि आपकी हम्बर कॉलेज की वीडियो इतनी अच्छी थी कि हमको उसमें आइडियाज़ मिले कि कॉलेज कैसा लगता है। तो उन्होंने कहा आप यूनिवर्सिटी की भी वीडियो बनाओ। तो यार मैं आपको ये सेंट मेरीज यूनिवर्सिटी का पूरा दिखाऊंगा, आपको यूनिवर्सिटी का टूर और इसके प्रोग्राम्स बताऊंगा आपको मैं कि कौन कौन से हम प्रोग्राम्स इस यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है और क्या क्या होता है। ये जो यूनिवर्सिटी है ना मेरे भाई, ये सेकेंड ओल्डेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी है यहाँ कैनेडा में, जो फाउंड हुई थी 1802 में यार ये यूनिवर्सिटी बनी थी। एंड उसके बाद तो आपको अब ये वीडियो में पता ही लग जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है। तो आओ अब हम चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं यूनिवर्सिटी का टूर। तो ये जो है ये हमारी मेन एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर आपने पीछे देखा है ये जो बिल्डिंग में, यहाँ पर भी क्लासेस होती हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी बैठते हैं। तो ये हमारी मेन एंट्रेंस हो जाती है अगर जब हम आते हैं ये रॉबी स्ट्रीट से इधर, तो हमारी ये मेन एंट्रेंस होती है यूनिवर्सिटी की। तो अब हम चलते हैं देखते हैं कि कैंपस इन्होंने कैसे कैसे डिफरेंट एरियाज में स्प्लिट करा हुआ है। यार ये देखो जब हम यहाँ पर आते हैं तो इन्होंने एंट्रेंस में बताया हुआ है कि सेंट मेरीज का विंस्टर स्ट्रीट कैंपस कैसे था 1903 में। तो ये हिस्ट्री देख के यार बहुत ही अच्छा लगता है और कि हमको और नॉलेज पता लगती है कि यार यूनिवर्सिटी कैसे बनी थी, क्या है और क्या नहीं। इन्होंने यहाँ पर इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है कि जो रॉबी स्ट्रीट का कैंपस है जहाँ पर हम खड़े हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। और ये जो है हाउस कैंपस सेंट मेरीज यूनिवर्सिटी का, इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ। तो ये काफ़ी यार इन्फॉर्मेटिव लगती हैं चीज़ें जो इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है कि जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो काफ़ी ही रिसोर्सफुल और नॉलेजफुल रहता है हमारे लिए जहाँ पर हम पढ़ने आए यूनिवर्सिटी उसके बारे में हमें पता हो। तो जैसे जैसे यार हम आगे आगे चलते आ रहे हैं, आप ये देखोगे कि ये फिर जैसे हम्बर्ट कॉलेज में भी था, यहाँ की हर यूनिवर्सिटीज़ में स्टैंडर्ड होता है जो व्हीलचेयर एक्सेस है, उन्होंने व्हीलचेयर एक्सेस के लिए यहाँ पर दिया, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। ये बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर बनाना, एंड जिससे ईजीली बंदा चढ़ के आराम से आ सकता है इधर। तो यार आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा प्रॉपर हमें बताइए कि कौन कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर है। ये जो बिल्डिंग है सोबीज बिजनेस स्कूल, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया नहीं था, सेंट मेरीज यूनिवर्सिटी जानी ही जाती है अपने बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए और केमिस्ट्री प्रोग्राम्स के लिए। तो ये जो यहाँ पर बिल्डिंग है ये है सोबीज बिजनेस स्कूल की बिल्डिंग। तो यहाँ पर सारे मास्टर्स के प्रोग्राम, बैचलर्स प्रोग्राम, जो भी आपको होते हैं, MBA, फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो सारे इस बिल्डिंग में कराए जाते हैं। ये बिल्डिंग बिजनेस स्कूल की बिल्डिंग है। तो अब हम अंदर जाके देखेंगे कि ये बिल्डिंग कैसी है। तो ये जो है ये यूनिवर्सिटी का हमारा कैंपस है, ये स्मोक फ्री कैंपस है। यहाँ पर टोबैको या कुछ भी एक्स वाई जेड नहीं यूज़ होता, और यूनिवर्सिटीज़ में यार यूज़ भी नहीं होना चाहिए, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। आओ अब हम सोबीज बिल्डिंग के अंदर चलते हैं, देखें। तो यार ये जो आप देख रहे हो ये हमारी बिल्डिंग में एंटर होते सारी, ये स्कॉशिया का कॉन्फ्रेंस थिएटर है। तो यहाँ पर जो भी आपकी कॉन्फ्रेंसेज होती है बिजनेस की या कुछ भी होता है आपका, तो वो यहाँ पर हेल्ड होती हैं बिजनेस बिल्डिंग में। तो यार ये जो भी डोनर्स वॉल है, जैसे हमको हर यूनिवर्सिटीज़ में पता लगता है इंडिया की या कनाडा की कि किस किस ने यहाँ पर फंडिंग दी है और कौन कौन एजुकेशन को हमारी सपोर्ट करता है, तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा फूड इंडस्ट्री डोनर्स वॉल पे। तो यार ये जो वेस्ट विंग है यहाँ डिफरेंट डिफरेंट हमारे प्रोफेसर्स डीन ऑफ बिजनेस स्कूल बैठते हैं। ऑफकोर्स ईजिली एक्सेस हम तो अभी नहीं जा सकते बिकॉज हम आई एम कैंपस वीकेंड पे हैं,
ये यहाँ पर प्रोफेसर्स फैकल्टी सारी बैठती है, यहाँ पर डिफरेंट फ्लोर्स हैं हमारे, सेकंड फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पर क्लासेस होती हैं, बोर्ड रूम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपको फैकल्टी मिलेगी यहाँ पर आपके बिजनेस स्कूल की। तो ये इन्होंने स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा रखा है कि आपको एक ही जगह पर आपके बिजनेस स्कूल पर सारी आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, चीज़ें होती हैं। ये जो है हमारा ये एडवाइजिंग सेंटर है जो बैचलर्स ऑफ कॉमर्स करने आ रहे हैं बीकॉम करने के लिए, एंड ये इंस्पिरेशनल हब ये फ्यूचर है जो ये नई बिल्डिंग बन रही है। मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट इट्स यूनिवर्सिटी में इसको कर रहे हैं, नया बन रहा है। हम यहाँ से चलते हुए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, यहाँ पर क्लासेस हैं हमारी, डाउन स्टेयर्स में क्लासेस हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी क्लासेस किस फ्लोर पे है किस पे नहीं, तो यहाँ पर हमारी क्लासेस मेंटेन होती है, यहाँ पर हम आके स्टडी करते हैं। अफकोर्स सेफ्टी फर्स्ट, कोविड में हमको सैनिटाइजर वगैरह आपको ऐसे लोकेशन पर हर जगह मिलेंगे, विच इज़ रियली गुड यार, क्योंकि सेफ रहेंगे तभी सारा ठीक रहेगा। और ये हमारा ऐसे यहाँ पर कैंपस का इंटीरियर मैप होता है जो मैं आपको बात बता रहा था, आउटडोर्स में भी आपको अवेलेबल मिलेगा, स्पेसिफिक बिल्डिंग में भी आपको जब आओगे आपको कैंपस मैप मिलेगा कि आपको पता लग जाएगा कहाँ पर क्या है चीज़ें, क्लासेस कहाँ होती हैं और अभी हम कहाँ पर हैं। जैसे ये स्टेडियम है, हम अभी इस टाइम अपने सोबीज बिजनेस बिल्डिंग में हैं, यहाँ पर वी आर हियर राइट नाउ। तो ये सारा कैंपस का इन्होंने हमको मैप दिया हुआ है। जैसे जैसे हम कैंपस पे यार आगे बढ़ रहे हैं, आगे हमारी क्लासेस आती हैं, जैसे इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर गैलरी बनाई हुई है, बताया हुआ है वर्ल्ड विदाउट लिमिट्स जो शोपीस की है हमारी लाइन मोटो। तो ये सारी हमारी यहाँ पर क्लासेस आ जाती हैं, अलग अलग ऑफिस हैं जो प्रोफेसर्स के भी होते हैं, कभी कभी काउंसलिंग क्लासेस होती हैं, कुछ होता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो अब हम बिज़नेस स्कूल से निकलते जब आए हैं तो आते जाते हम यहाँ पर लॉयोला एकेडमी है, और ऐसे ही लॉयोला का हमारा रेजिडेंस भी है। तो ये हमारा सेकंड ब्लॉक आ जाता है एक और, जहाँ पर वैसे तो सारा इंटरकनेक्टेड होता है, जो सोबीस की बिल्डिंग है उसके अंदर से सारा इंटरकनेक्टेड होता है, बट मैंने कहा क्यों ना आपको आउटडोर्स दिखाते हैं यार, आउटडोर्स में मज़ा बहुत आता है, बहुत अच्छा लगता है आउटडोर्स में। तो ये भी यहाँ पर भी क्लासेस होती हैं, यहाँ पर भी सारी चीज़ें होती हैं, तो ये कोई डिफरेंट सब्जेक्ट्स की होती हैं, बिजनेस सब्जेक्ट्स की होती हैं, सारी क्लासेस होती हैं। अभी हम आउटडोर घूम रहे हैं तो अभी हम आउटडोर्स में ही देखेंगे कि क्या क्या किस चीज़ों से इंटरकनेक्टेड है और कैंपस कैसा इन्होंने अच्छा एकदम यार बनाया हुआ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है यार, इतना अच्छा आप पॉइंट में आके यहाँ पढ़ रहे हो फोकसली, इट्स रियली अमेजिंग। आई वुड से कि यार इतने अच्छे एनवायरनमेंट में यू विल डेफिनेटली स्टडी एंड फ्यूचर ग्रोथ तो है ही है। तो यार आपने जैसे मैप में देखा है कि कैंपस कितना अच्छा इन्होंने डिज़ाइन करा हुआ है, अब हम कैंपस की मेन सेंटर साइड पे आ गए हैं जो सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है। यहाँ पर हस्कीज़ का ग्राउंड भी है और अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे अभी हम सोबीस बिल्डिंग गए थे, यहाँ पर हस्कीज़ का ग्राउंड आ गया, पीछे जो आप यहाँ पर देखेंगे वहाँ पर लाइब्रेरी है और वहाँ पर क्लासेस भी होती हैं। तो यहाँ पर यार मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप देख रहे हो कि यूनिवर्सिटी से बंदा पढ़ रहा है, बाहर आता है या ओपन स्पेस में फ्रेंड्स के साथ बैठता है, डिस्कशन करता है, या कभी आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आप लंच पीरियड में, या कभी जो आपको लंच ब्रेक होती है कुछ भी होता है तो आप यहाँ पर आराम से बैठ के यार अपना खा पी सकते हो और अपना इन्वायरमेंट इन्जॉय कर सकते हो। है द हस्कीज ग्राउंड यार, यहाँ पर ये हस्कीज ग्राउंड है, तो सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज टूर्नामेंट्स जो भी होते हैं वो सारे इधर होते हैं, आप देख सकते हो, देखो कितना अच्छा ग्राउंड लग रहा है। तो ये है हमारा हस्कीज ग्राउंड, जैसा कि आपने देखा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार, समर्स में तो और ही अच्छा लगता है। और आप ये देख सकते हो जो पीछे बिल्डिंग्स हैं, ये है रेजिडेंस यहाँ के, डिफरेंट डिफरेंट रेजिडेंस है, लॉयला रेजिडेंस है, जो नीचे मिड साइज हाइट की भी बिल्डिंग है वो भी रेजिडेंस है, और ये भी रेजिडेंस है। तो जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर रहने तो रेजिडेंस में भी यहाँ रह सकते हैं, और मैं तो यार यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप अकेले रह रहे हो या आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह अगर हैं साथ तो आप रेजिडेंस में करो पहली प्रेफरेंस, नहीं तो आप अपना भी पर्सनल रह सकते हैं।
तो यार ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये है हमारा स्टूडेंट सेंटर। तो ये स्टूडेंट सेंटर में आप आ सकते हो, कोई भी जैसे आपको अपना बस पास के लिए या कुछ भी एक्स वाई जेड चीज़ों के लिए होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर में आपकी हेल्प करेंगे ये सारे। तो यार ये जो अब हमारी है ना स्टूडेंट सेंटर के सामने ही जो ये बिल्डिंग है, ये है हमारी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी और यहाँ पर हमारा मतलब कह सकते हो आप 24/7 लर्निंग कॉमन्स है। यहाँ पर आके आपको अगर रात को पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, जब भी पढ़ना है, तो आप आके यहाँ पर आराम से इस बिल्डिंग में अंदर पढ़ सकते हो। उसके साथ ही पैट्रिक पावर लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में तो पता ही है यार, वहाँ तो आप बैठ के पढ़ ही सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, बट वो एकदम टाइम फ्रेम के बीच में होती है, बट जो उसके साथ ही एकदम अटैच है वो 24/7 लर्निंग कॉमन्स है। तो आप वहाँ पर बैठो और अपना पढ़ो। तो जैसा कि हम आगे आगे आई जा रहे हैं, हमने ग्राउंड के साथ ही अभी पीछे वाली बिल्डिंग देखोगे यार, ये है जिम और एथलेटिक सेंटर। ये सारी बिल्डिंग जिम और एथलेटिक सेंटर है। आप यहाँ पर इंडोर गेम्स खेल सकते हो, इंडोर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इवन इंडोर क्रिकेट भी खेलते हैं हम यहाँ पर, और जिम भी इसी बिल्डिंग में है। तो कितना अच्छा यार कैंपस का इन्होंने लेआउट करेगी, अंदर ही सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा और कितना स्पेशियस कैंपस इन्होंने बनाया हुआ है। तो यार आपको जैसे मैं बता रहा था कि ये जो हमारा एथलेटिक सेंटर है, एथलेटिक सेंटर और ये वाली जो बिल्डिंग है ना, ये वाली बिल्डिंग में भाई सोचो क्या होता होगा, यहाँ पर इंडोर आइस हॉकी खेली जाती है। आप देख रहे हो ना पीछे कनेक्टिविटी, तो ये इन्होंने कनेक्टिविटी भी दी है कि ऑफ कोर्स जब ठंड होती है या बाहर, जैसे आप इस बिल्डिंग में हो और बाहर ठंड है काफ़ी, तो आप अंदर से यहाँ से कनेक्टिविटी से जाके, इधर आइस हॉकी का ग्राउंड है तो यहाँ पर इंडोर आइस हॉकी भी होती है। तो यार मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कैंपस के अंदर इंडोर आइस हॉकी होना, कनाडा की जो इतनी फेवरेट स्पोर्ट है, नेशनल गेम है, यहाँ पर आइस हॉकी होना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये एथलेटिक सेंटर और ये आइस हॉकी का ग्राउंड है। तो आई होप आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जो यूनिवर्सिटी का टूर है सेंट मेरीज का। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, कमेंट करके नीचे मुझे ज़रूर बताएं। कोई कोर्स के बारे में पूछना, कुछ भी, और मैंने आपको जो कैंपस है उसकी सारी मेन मेन चीज़ें दिखाई हैं, और ज़्यादा इन डेप्थ कैंपस नहीं दिखाया, क्योंकि आपको भी पता है यार इतनी लंबी वीडियो कोई भी नहीं देखता, हमको मेन मेन चीज़ें देखनी होती, तो मैंने उतना ही कवर करा जो हमारे कैंपस का मेन चीज़ें हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड थैंक यू गाइज़।